नमस्कार, आज हम आपसे वेरिएबिलिटी में स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करेंगे। वेरिएबिलिटी के जैसे आप जानते हैं चार मेजर्स होते हैं, एक होता है रेंज, दूसरा क्वार्टर डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन और चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। क्वार्टर जो रेंज होता है वो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर के बीच की दूरी होती है। क्वार्टर डेविएशन क्वार्टर थ्री और क्वार्टर वन के बीच की दूरी का आधा होता है। और मीन डेविएशन क्या होता है? बेसिकली मीन डेविएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास स्कोर्स हैं, मान लीजिए ये स्कोर्स हैं हमारे पास 10, 12, 14, 16 और 18, ये पांच स्कोर्स हैं, तो 8 और 6 14, 4, 18 और 2, 20, 2 और 2, 7, 70। 70 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मीन बराबर आ जाएगा 14। तो 14 को हम समय से घटा देते हैं, मीन डेविएशन निकालते समय, मतलब मध्यमान घटाते हैं। समय से मध्यमान घटाने पर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास डेविएशंस आ जाएंगे। ये -4 आएगा, ये -2 आएगा और ये 0 आएगा, ये 2 आएगा और ये 4 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मीन डेविएशन से डेविएशंस का वैसे एवरेज निकालना चाहें तो मीन से जो एक्चुअल डेविएशंस हैं वो माइनस में भी उतने ही आते हैं और प्लस में भी उतने ही आते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। डेविएशन का सिग्मा डी की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। देखिए सिग्मा डी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे मीन यहां पे आया 14, ठीक है। अगर हम इसका टोटल करें तो माइनस का 6 हो गया डेविएशन में और प्लस का 6 हो गया, तो सिग्मा डी जीरो हो जाएगा। तो मीन डेविएशन निकालते समय हम क्या करते हैं, ये मॉड्यूलस कर देते हैं, मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस करते ही ये प्लस माइनस के साइन इग्नोर हो जाते हैं, तो ये साइन हटते ही क्या हो जाता है कि 4 और 2 6 और 6 12, सिग्मा मॉड्यूलस डी जो है ये वैल्यू ये 12 हो जाती है। तो यहाँ पर एक जो तरीका हमने इस्तेमाल किया वो मॉड्यूलस लेने का इस्तेमाल किया। अब यहाँ देखिए इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इनको अगर हम मॉड्यूलस लेने के बजाय अगर हम इनको स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर हम इनको स्क्वायर कर दें तो माइनस का साइन अपने आप हट जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हम क्या करें डी ले लें, ठीक है, और डी लेने के बाद डी स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 4, ये होगा 4 और 16, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर करने पे सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी और ये आ जाएगी 40, ठीक है। अब देखिए इसको जब हमने एक बार स्क्वायर किया था तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हम क्या करते हैं, इसमें जो सिग्मा डी स्क्वायर है इसका एवरेज ले लेते हैं। इस सिग्मा डी स्क्वायर को एन, यहाँ पे एन बराबर कितना है 5, तो इसका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने का मतलब एन से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमने एक बार स्क्वायर किया था तो इसको अंडर रूट कर देते हैं जिससे वैल्यू फिर से छोटी हो जाएंगी। तो 40, इसका मतलब 40/5 का अंडर रूट, इसका मतलब 8 का अंडर रूट, 8 का अंडर रूट जो भी वैल्यू आएगी वो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा, ठीक है। 8 का अंडर रूट जैसे यहां पे निकला हुआ 2.83 आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, अब इसमें आप देखिए मीन डेविएशन का एक्सटेंशन है, क्या फर्क है इसमें, मीन डेविएशन में हम डेविएशंस को केवल डेविएशंस का एवरेज लेते हैं, प्लस माइनस के साइन इग्नोर कर देते हैं। यहां क्या करते हैं, डेविएशंस निकालते हैं और प्लस माइनस के साइन हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद सम करते हैं फिर एवरेज कर देते हैं, और एवरेज का एक बार अंडर रूट ले लेते हैं। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आती है वो वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को इसी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, हाउ टू डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, इज अंडर रूट ऑफ एवरेज डेविएशंस, अंडर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायर्ड, एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट लिया हमने यहां पे 8 का अंडर रूट लिया, अंडर रूट ऑफ एवरेज स्क्वायर्ड डेविएशन।
स्क्वायर डेविएशन ये आ गए 40, इनका एवरेज हमने कैसे निकाला, 5 से भाग दे दिया, तो 40 से 5 को भाग दिया, 40 को 5 से भाग दिया तो 8 आ गया। तो एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम देयर मीन, ये स्कोर्स हैं, ये इनका मीन है, इनसे डेविएशन, इनका स्क्वायर, स्क्वायर का एवरेज, इनसे भाग दे करके और एवरेज का अंडर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो इसको इसी फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज, अब देखिए फॉर्मूला लिखिए और आप उसको डिफाइन कर लीजिए, सबसे सरल तरीका होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अपॉन एन, ये क्या है, डी इज द डेविएशन ऑफ स्कोर्स फ्रॉम द मीन, ठीक है, और स्क्वायर क्या है, उसका स्क्वायर, सिग्मा क्या है, सम, और एन से भाग देने पर ये होता है एवरेज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मध्यमान से विचलन के वर्ग के औसत, औसत निकाल लिया हमने, के वर्गमूल को प्रमाप विचलन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कैसे की जाती है, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल लेकर के बताई थी, ऐसे ही की जाती है, ठीक है। जैसे जब हमारे पास अनग्रुप डेटा है, ठीक है, तो उसमें हम अनग्रुप डेटा में हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे निकाल सकते हैं। यही एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे पास स्कोर्स हैं 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है, हमने इनका मीन निकाला तो ये मीन आया 14। अब सब में से 10 में से 14, 12 में से 14, 14 में से 14, 16 में से 18 में से, इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई डेविएशन की, ठीक है, डेविएशन की वैल्यूज आ गई, इनको स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास ये स्क्वायर्ड वैल्यू डी आ गया, सिग्मा डी स्क्वायर, इसका सम कर दिया हमने तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया, और जब n से भाग दे दिया, n 5 है इससे भाग दे दिया तो 8 आया, और 8 का अंडर रूट निकाला तो 2.83 आया। देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है हमने डायरेक्ट मेथड में, एक्चुअल मीन निकाला, ठीक है, स्कोर से मीन को घटाया, हर स्कोर से मीन को घटाया, उनका जो वैल्यू आई डेविएशन कहलाया, डेविएशन का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर डेविएशन का एवरेज ले लिया, है ना, सम करके एन से भाग दे करके और उसका अंडर रूट निकाल दिया, तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो वो तरीका यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पे अगर डेविएशन जो मीन की वैल्यू है 14 पॉइंट कुछ आती, 0.35 आती, ये मान लेते हैं, या 0.33 आती, ऐसे में क्या होता है कि सारे डेविएशन की वैल्यू डेसीमल के, दो डेसीमल के पॉइंट तक आती, और जब डेसीमल के दो पॉइंट तक आती उनका स्क्वायर करना मुश्किल होता है। तो ये तरीका यहाँ देखने में आपको आसान लग रहा है, लेकिन ये तरीका कठिन है, क्योंकि हमें मीन की वैल्यू हमेशा एक डिस्क्रीट नंबर में या होल नंबर में नहीं मिलती है ना, ये डेसिमल में मिल सकती है, उस समय हमें ये तरीका लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर हमें स्क्वायर्स करने पड़ते हैं डेसिमल के दो पॉइंट्स तक जा करके, वो काम बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, एज्यूम मीन से भी इसको निकाला जा सकता है। एज्यूम मीन में थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या बदलाव आ जाता है, फॉर्मूले में केवल इतना बदलाव आ जाता है कि इसमें से सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर, ये करेक्शन टर्म कहलाता है, ठीक है, ये करेक्शन टर्म हम घटा देते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, क्योंकि एज्यूम मीन मेथड है तो मीन एग्जैक्ट लेने के बजाय हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन ले लेते हैं। जैसे इन्हीं स्कोर्स को अगर हम लें 10, 12, 14, 16, 18, ये सिग्मा एक्स बराबर 70 हो गया, ठीक है। अब हम एक्चुअल मीन नहीं ले रहे, ये एक्स कहलाएंगे, एज्यूम मीन हमने ले लिया, एज्यूम मीन मान लीजिए ये ले लिया हमने एज्यूम मीन, ठीक है, एज्यूम मीन ये ले लिया और सबको हमने डी निकाला, डी डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एज्यूम मीन, ये हमने निकाला, एक्स 10 है, 12 घटा दिया सब में से, तो सब में से 12 घटाने पे हमारे पास यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है, और यहाँ पे 2 आया, 4 आया और 6 आया, ठीक है, ये प्लस की वैल्यूज आई, इनका डी स्क्वायर क्या आया, 4, 0, 4, 16, 36, ठीक है। तो ये टोटल करिए, 4 और 4 8 और 6 14 और 6 20, 2 3 2 5 और 1 6 60 आया। सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 60 आया, ठीक है, और सिग्मा डी कितना आया, तो ये 2 है और ये 12 है, तो इसका मतलब सिग्मा डी की वैल्यू आ गई 10, ठीक है, ये डी है और ये डी स्क्वायर है, तो इसका सम किया तो ये प्लस के 12 और माइनस का 2, तो ये जो सिग्मा डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 10,
अब हमने ये वैल्यूज यहाँ पे रख दी, 60 अपॉन n, n इज 5, यहाँ पे भी n 5 है, माइनस 10 अपॉन 5 n सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n, तो सिग्मा d स्क्वायर की वैल्यू 60, n की वैल्यू 5, और सिग्मा d अपॉन n, तो सिग्मा d की वैल्यू 10 और n की वैल्यू 5। जब इसको सॉल्व किया तो आपका ये वैल्यू आई 12 × 5 = 60 और ये आई 4 आई, 2 आया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, 12 में से 4 घटाया 8 आया और 8 का अंडर रूट निकाला तो 2.83 आया। देखिए ये और ये दोनों वैल्यूज एक ही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये करेक्शन टर्म घटा दिया जाए तो सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू इसी वैल्यू के बराबर हो जाती है जो वैल्यू एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेने के बाद आती, उस वैल्यू के बराबर हो जाता है, तो ये करेक्शन टर्म कहलाता है। ये अगर आप घटा देंगे तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड लगा करके। ठीक है, तो ये तो अनग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका हुआ। ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये यहाँ पे देखिए डिस्कस किया गया है। ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का एक तो डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड का मतलब जब आप एक्चुअल मीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तब एक्चुअल मीन से जब आप निकालते हो तो आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एफ डी स्क्वायर। देखिए डी यहाँ पे क्या होता है, जब हम डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं ग्रुप में, है ना, ग्रुप डेटा में, डायरेक्ट मेथड, तो यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। ठीक है, यहां पे डी क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है मिड वैल्यू माइनस मीन। ठीक है, इसको मिड वैल्यू को एक्स कहते हैं और इसको मीन कहते हैं, मीन या एक्स बार दोनों कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिड वैल्यू इसका मतलब इन सारे क्लास इंटरवल्स की मिड वैल्यू निकालिया और उसके बाद उसमें से जो एक्चुअल मीन आया वो घटाइए। अब यहाँ पे इस तरीके को वैसे आपको आसान लगेगा, है ना, इससे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी एक्स माइनस मतलब क्लास इंटरवल्स की सबकी मिड वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, और मीन निकाल लीजिए। मीन निकालने के बाद जैसे ग्रुप डेटा में आपने मीन पहले पढ़ा है वैसे ही निकालेंगे मीन। मीन निकालने के बाद मिड वैल्यूज में से मीन घटा दीजिए, जो डेविएशंस आएंगे उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी सिग्मा वो डी एफ डी वो डी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसके साथ एफ का फ्रीक्वेंसी का गुणा कर दीजिए तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, और फ्रीक्वेंसी का गुणा करने के बाद टोटल कर दीजिए तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, और एन से भाग दे दीजिए तो इसका एवरेज, और फिर उसके बाद अंडर रूट ले लीजिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। पर यहाँ पर भी वही दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इस यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं बताई है, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो मिड पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट जब आप निकालेंगे तो 4.5 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 14.5 आएगा, तो मिड पॉइंट्स कभी कभी डेसिमल में आते हैं, उसके बाद एक्चुअल मीन तो डेसिमल में आने की बहुत संभावना है, रेयर चांसेस हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल मीन है वो डेसिमल में नहीं आए, तो डेसिमल में ही मीन आ रहा है और डेसिमल में ही मिड वैल्यूज आ रही हैं, उनको जब आप घटाएंगे तो वैल्यूज डेसिमल में आएंगी, उनके साथ फ्रीक्वेंसी का गुणा करेंगे एफ इंटू डी, उनका स्क्वायर करेंगे या, ठीक है, तो स्क्वायर भी डेसिमल की वैल्यूज का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसीज का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके में कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला जा सकता है। ये स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। स्टेप डेविएशन मेथड में आपका काम जैसे यहाँ पे आसान हो गया था एज्यूम्ड मीन से निकालने में, वैसे ही यहाँ पर भी एज्यूम्ड मीन इस्तेमाल किया जाता है और वो काम आपका काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, एज्यूम्ड मीन भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि खाली ये मानना पड़ता है कि किसी एक क्लास इंटरवल में आपका एज्यूम्ड मीन है, तो इसको कैसे निकालते हैं इसकी जरा बात करते हैं। ठीक है, ये स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है, स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए इसमें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन
माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। कुछ बुक्स में डैश लगा होगा, कुछ में नहीं लगा होगा, तो इसके चक्कर मत पड़िए, है ना। डैश लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो ठीक है, मतलब आपका डी से मतलब क्या है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए बस, और इसका भी अंडर रूट ले लीजिए। तो ये और इसके बाहर, क्लास इंटरवल के बाहर, ठीक है, वो अंडर रूट के बाहर, और अगर आपको ऐसे गलती होने की संभावना है तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि इधर रखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू आई इनटू, ठीक है, आई को इधर कर दीजिए, मतलब आई का मल्टीप्लिकेशन सबसे बाद में करना है, इस सबको सॉल्व करने के बाद करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप डेविएशन में डी डैश बराबर किसके होता है, डी डैश बराबर होता है एज्यूम को मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन अपॉन आई या सी आई साइज ऑफ क्लास इंटरवल, है ना। तो जैसे किसी एक क्लास इंटरवल का अभी हम निकाल के देख लेते हैं, जैसे इस एग्जांपल में एज्यूम मीन इस क्लास इंटरवल में माना गया, ठीक है, इस क्लास इंटरवल में एज्यूम मीन माना गया, तो एज्यूम मीन क्या हो जाएगा 44.5, ठीक है, मैं सॉरी मिड वैल्यू 44.5 हो जाएगी और एज्यूम मीन भी 44.5 हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ही एज्यूम मीन माना गया है, एज्यूम मीन इस एग्जांपल में 44.5 है, ठीक है, और साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10 है, तो ये 0 हो गया, 0 से 10 से भाग दिया 0 को, तो ये 0 आ गया, तो यहाँ पे आप देखिए डी डैश 0 आ गया। इसका निकाल के देख लेते हैं, 80 to 89 का मतलब 84.5 इसका मिड वैल्यू होगा, इसमें से आप घटाएंगे एज्यूम मीन 44.5 और 10 से भाग देंगे तो ये आएगा 40/10, तो ये आ जाएगा 4। ऐसे ही आप किसी सबका निकाल के देख लीजिए, या मत निकालिए, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली ये मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज आती कैसे हैं डी डैश की, तो डी डैश की वैल्यू इस तरीके से आती है, मिड वैल्यू माइनस एज्यूम मीन अपॉन साइज ऑफ क्लास इंटरवल, और ये वैल्यूज ऐसे ही आएंगी। बस आपको करना क्या है, जिस क्लास इंटरवल के आगे आपने एज्यूम मीन माना है जिसमें, उसके आगे डी डैश 0 कर दो, ठीक है, जिधर की तरफ घट रहे हैं उधर की तरफ -1, 0 से शुरू करेंगे -1, -2, -3, -4, और जिधर की तरफ बढ़ रहे हैं उधर की तरफ +1, +2, +3, +4 ऐसे करेंगे। तो यही यहाँ पे किया गया, -1, -2, -3, -4 1, 2, 3, 4। तो ये स्टेप डेविएशन में, ये स्टेप डेविएशन हो गया डी डैश। अब हमें क्या करना है, एफ डी इनका गुणा कर दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया, इनका गुणा किया तो 3 × 12 = 21 + 7 = 14 + 20 = 20 का 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, 15 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 15, 8 × 2 = 16, 7 × 3 = 21, 4 × 3 = 12, ठीक है, ये वैल्यूज माइनस की आ रही है, तो ये आपके पास एफ डी आ गया, ठीक है। अब एफ डी के बाद आप क्या करिए, एफ डी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो अगर एफ डी, एफ डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, एफ डी स्क्वायर का मतलब होता है एफ डी स्क्वायर को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एफ डी इंटू डी ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, या एफ इंटू डी स्क्वायर कैसे भी निकाल लीजिए। तो एफ डी और डी की वैल्यूज हमारे पास हैं, एफ डी है और डी की वैल्यू, तो इसकी जरूरत नहीं है, हम इतने से निकल आए, तो एफ डी और डी को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ डी स्क्वायर की वैल्यूज आ गई। अभी देखिए सारी प्लस में कन्वर्ट हो गई जो माइनस में वैल्यूज थी, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस 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 15 मल्टीप्लाइड विद माइनस 1 इज इक्वल टू 15, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन के बाद प्लस हो जाता है। अब इनका सम किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई सिग्मा डी एफ डी स्क्वायर, ये देखिए ये हमारे पास वैल्यू आ गई सिग्मा एफ डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जब हम सिग्मा एफ डी निकालेंगे, ये वैल्यू निकालनी है तो इनको टोटल करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस और प्लस को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस की वैल्यू जोड़ी तो 67 आया, यहाँ पे ये माइनस की वैल्यू जोड़ी तो 64 आया, ठीक है, जब दोनों इसमें से 64-67 में से घटाया तो 3 आ गया, तो ये वैल्यू आ गई सिग्मा एफ डी की। अब देखिए इस एग्जांपल में ये हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर ये आ गई वैल्यू 317, ठीक है, सिग्मा एफ डी ये वैल्यू आ गई 3, एन बराबर यहाँ पे दिया हुआ है
100, ठीक है। और क्या चाहिए फॉर्मूले में, I इज इक्वल टू साइज ऑफ क्लास इंटरवल 10, सारी वैल्यूज हमारे पास हैं फॉर्मूले में, जो भी रखनी है ये यहाँ पे हमने रखी, 317 डिवाइडेड बाय 100 एंड 3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जैसे मैंने बताया आप इधर लिख लीजिए उधर लिख लीजिए, बस ये ध्यान रखिए कि मल्टीप्लीकेशन सबसे आखिर में होगा। इसको डिवाइड किया तो 3.17 आया, और इसको डिवाइड करने के बाद स्क्वायर कर दिया, यह है 0.03, और 0.03 का स्क्वायर आता है 0.03 × 0.03 = 0.0009। तो हमने एक डेसिमल इसको राउंड फिगर कर दिया तो हो गया 0.001, ठीक है। तो ये 0.001 घटाया इसमें से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.169, ठीक है, इसमें से ही घटाया। तो उसके बाद इसका अंडर रूट ले लिया तो यह आया 1.780, है ना। अंडर रूट लेने के बाद इसको 10 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया साइज ऑफ क्लास इंटरवल से, तो इस तरीके से हमारे पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई। दिस इज दी आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन 17.80। तो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं क्या करना है ग्रुप डेटा में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय। सबसे पहले क्या करिए, एक क्लास इंटरवल में मान लीजिए कि अज्यूम मीन है, और उस क्लास इंटरवल के आगे डी डैश को जीरो कर दीजिए, ठीक है। जिधर की तरफ क्लास इंटरवल्स बढ़ रहे हैं +1 +2 +3 +4, जिधर की तरफ घट रहे हैं -1 -2 -3, है ना, नीचे की तरफ घट रहे हैं, यहाँ 40 से 49 का है तो यहाँ पे 30 से 39 का है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद एफ और डी का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो एफ डी आ जाएगा, एफ डी और डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। एफ डी स्क्वायर इनका सम कर लीजिए तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर आ गया, इसका सम कर लीजिए प्लस माइनस के अलग अलग सम होंगे यहाँ पे, और डिफरेंस यहाँ पे आएगा तो ये सिग्मा एफ डी डैश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एन आपको पता ही होता है, सिग्मा फ्रीक्वेंसी एन होता है, और इसके बाद फॉर्मूले में वैल्यूज रखिए और आप स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, और इसका स्टैटिस्टिक्स में स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत इस्तेमाल होता है, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितना भी आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाएंगे जहाँ जहाँ, ठीक है, लगभग ज़्यादातर जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल होता है ना। जब आप सिग्निफिकेंस टेस्ट करेंगे, मीन की सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी है, ठीक है, रिलायबिलिटी पता करनी, सिग्निफिकेंस एंड रिलायबिलिटी पता करनी है, ठीक है, एरर पता करनी है, स्टैंडर्ड एरर्स पता करनी है, मीन की स्टैंडर्ड एरर पता करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की स्टैंडर्ड एरर पता करनी है, है ना, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस आपको पता करना है, तो जितने ये आगे चल के इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगती है उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन को जितना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आप पढ़ेंगे, एनपीसी पढ़ेंगे, तो उसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।